दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। आयुर्वेदिक स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर का आयोजन जिला मुख्यालय में प्रातः 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक किया गया। बच्चों को दीर्घायु, ऊर्जा, मेगा शक्ति व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रत्येक माह पुष्प नक्षत्र को हमारे विभाग के माध्यम से 0 से 15 वर्ष तक के बच्चों को दवाई पिलाई। प्रथम दिन बड़ी संख्या में पालक अपने बच्चों को लेकर यहां पहुंचे। स्वर्ण प्राशन के संबंध में डॉक्टर वर्षा वैश्य आयुर्वेदिक चिकित्सक खंडवा अधिकारी ने बताया कि आयुर्वेदिक में हजारों साल पहले बच्चों में संस्कारित स्वर्ण प्राशन करने से इससे बच्चों में शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के साथ अन्य प्रकार की बीमारियों से बचाया जा सकता है। वर्तमान में कोरोना वायरस के संबंध में आपने बताया कि आयुर्वेदिक में भी इस बीमारी से निपटने के लिए आयुर्वेदिक के लिए क्षेत्र में भी औषधि उपलब्ध है। ओंकारेश्वर में आयुर्वेदिक औषधालय के कैंप की आवश्यकता है। ओंकारेश्वर से दिलीप वर्मा की रिपोर्ट। अभी हम लोगों का दूसरा कैंप है ये, गवर्नमेंट में जो हम लोग आयोजित कर रहे हैं, और ये जो हम 0 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए हम स्वर्ण प्राशन संस्कार करवा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम जो मेडिसिन देते हैं उसमें स्वर्ण भस्म और जो मेडिकेटेड घृत रहता है और शहद रहता है, इसके अंदर वचा, शंख, पुष्पी आदि जो मेदे रसायन होते हैं उनसे मेडिकेटेड घृत को हम इसमें मिलाकर और दवाई बनाकर पिलवा रहे हैं। और ये अभी गवर्नमेंट की जो एक आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की जो एक चल रही है योजना, उसके अंतर्गत हम स्वर्ण प्राशन संस्कार निःशुल्क अपने पूरे स्टेट में पिलवाया जा रहा है। सब औषधालयों में भी इसकी कोशिश जारी है। अभी खंडवा में फर्स्ट अपने यही आयुर्वेद औषधालय में इसको पिलवाया जा रहा है और आगे कोशिश करेंगे इसको हर माह अपन अभी पुष्प नक्षत्र में पिलवा रहे हैं। अभी कम से कम हमारे पास ये 40 बच्चे हो चुके हैं और अभी हम 4 बजे तक 9 से 4 का हमने समय रखा है और अभी और बच्चे हमारे पास आने हैं। अपने वर्तमान में कोरोना वायरस का जो हम लोगों के पास में भी एडवाइजरी आई है और आयुर्वेद में भी बहुत सारी ऐसी पहले से भी मेडिसिन उपलब्ध हैं और हम लोगों को भी आया है कि आप इसके लिए एक षडंग पानी चून उपलब्ध हम लोग करवा रहे हैं। षडंग पानी चून 10 ग्राम आप 2 लीटर पानी में उबालिए और इसको आप अपने साथ रखिए, कहीं भी आप पी रहे हैं डेली में तो इसी पानी को पीजिए। इसके अलावा हम लोग त्रिकटू और तुलसी की पत्तियों का काढ़ा भी पिलवा रहे हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी और एंटीवायरल मेडिसिन के तहत इसको हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो गुरुची या अमृता हमको कहते हैं तो उसकी संशमनी बटी और उसके अलावा हरिद्रा खंड और त्रिभुवन कीर्ति और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हम लोग के पास अवेलेबल है जो हम लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।